राजधानी देहरादून में गली मोहल्ले और मेन रोड बनाने को लेकर पहले पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम में तालमेल न होने का कारण एक ही सड़क के लिए दो दो जगहों से स्वीकृति मिलने को लेकर सड़क निर्माण नहीं हो पाया। नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बीच मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ एक अहम बैठक करवाई गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अगर पीडब्ल्यूडी को कोई भी निर्माण कार्य करना है तो उसके लिए निगम से एनओसी लेनी होगी। इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि निर्माण कार्य में जो मलबा या निर्माण सामग्री सड़क पर पड़ी होगी उसे भी तुरंत उठा दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया तो उसके ऊपर अधिक से अधिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये एक इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, समस्या ये है कि हमारी जितनी मेजर रोड सिटी की हैं वो सब पीडब्ल्यूडी के पास हैं और उससे जुड़ी हुई जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी पीडब्ल्यूडी का है। ये मुझे जानकारी मिली है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण सड़कें और उनकी नालियों का कार्य पीडब्ल्यूडी के पास विचाराधीन है और स्मार्ट सिटी जो कंपनी है वो बनवा रही है, तो उसमें हम उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है या हमारा जो मुख्य कार्य है वो है नालियों की सफाई। इसके लिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे पूरे नाला गैंग की टीम इस समय युद्ध स्तर पर पूरे शहर में लगी हुई है और नालों से जो मिडिल टाइप की रेंज की जो हमारी ड्रेनेज है, बड़े नाले जो हैं, सुमन्नूगंज का नाला है, इसमें बहुत अच्छा अभियान हमारा चल रहा है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी उसको जाकर देखें। पूरी तरह से सफाई उसमें चलाई जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बरसात में शायद इस बार ऐसी कोई समस्या ना आए। संवाद 365 के लिए देहरादून से काजल की रिपोर्ट।